Welcome back to my channel. ये वीडियो काफी टाइम से पेंडिंग था इनफैक्ट बीच बीच में लोग मुझसे पूछते रहते थे कि वो ट्विनिंग आउटफिट्स वाला जो वीडियो आपने बनाया था तो उसके फाइनल आउटफिट्स कहाँ है इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे कल ही मुझसे किसी ने यही बात पूछी सो so, कुछ दो तीन महीने पहले मेरे पास एक ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंट वर्क आया था जिसमें मुझे क्लाइंट और उनकी डॉटर के लिए ट्विनिंग आउटफिट्स बनाने थे वो भी सिल्क साड़ी से और वो आउटफिट्स उन्हें कुछ वेडिंग पर्पज के हिसाब से चाहिए थे इंडिया में कोई वेडिंग होगी तो उसके हिसाब से उन्हें वो आउटफिट्स चाहिए थे तो उसका मैंने पार्ट वन वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें मैंने आप सबको सिल्क साड़ीज दिखाई थी और उनसे मैंने क्या क्या डिजाइन प्रपोज किए क्लाइंट को वो सब आप लोगों के साथ शेयर किए थे होप आप सबने वो वीडियो देखा हो पर फाइनल आउटफिट्स दिखाने में आप सबको थोड़ी सी देर हो गई और वो इसलिए क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज थे तो इसकी वजह से मुझे मेजरमेंट्स टाइम पर नहीं मिले और मेजरमेंट्स के बिना तो अब आउटफिट्स कैसे बनेंगे बट कोई नहीं फाइनली आउटफिट्स आर रेडी अब बन चुके हैं आउटफिट्स और आज के वीडियो में आप लोगों को मैं वो आउटफिट्स दिखाऊंगी यस सो और देर नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो ओके okay, सो so ये देखो ये चार सिल्क साड़ीज क्लाइंट ने सेंड की थी और ये न्यू सिल्क साड़ीज साचेस करके सेंड की क्लाइंट ने ये पुरानी साड़ीज नहीं है ओके okay, सो so ये देखो ये एक सेट था साड़ीज का ब्लू कलर की कांचीपुरम सिल्क साड़ीज थी सो so, इनका जो फैब्रिक एंड पैटर्न था वो सेम था बस जो प्रिंट था मतलब जो बुटियां बनी हुई थी वो डिफरेंट थी ओके okay, सो so ये आ, पहली साड़ी है ठीक है ओके okay, सो so इस साड़ी में ये प्लेन ऐसा ब्लाउज पीस पोर्शन है ये ब्लू कलर का ऐसा प्लेन ब्लाउज पीस है और यहां से फिर ये इसका पल्लू पोर्शन है तो पल्लू पोर्शन में इस तरह की देखो आप ये डिजाइन है ये बूटियां बनी हुई है ये सारी है बची हुई पूरी सेम है पूरी की पूरी पैटर्न साड़ी का सेम बूटियां है मतलब ऑल ओवर पूरी साड़ी में ठीक है तो यहाँ पे देखो बूटी इस तरह की थोड़ी सी बड़ी साइज की इसमें ये बूटियां बनी हुई है एंड स्टार्टिंग uh, में ये थोड़ा सा ऐसा प्लेन पोर्शन दिया हुआ है एंड ये फिर बॉर्डर है इस तरह का बॉर्डर है ये दोनों तरफ ऐसा ही बॉर्डर दिया हुआ है ऊपर नीचे इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है ओके okay, सो so, दूसरी साड़ी देखते हैं तो इसका भी स्टाइल वही है बस बूटियां इसमें चेंज है तो ये तो इसका वही प्लेन ऐसा ब्लाउज पोर्शन है साड़ी का तो पल्लू में इस तरह की इसमें बूटियां हैं ये आप देखो छोटी लीफ वाली पैटर्न की इसमें ये बूटियां बनी हुई है एंड जो रिमेनिंग साड़ी है पूरी तो उसमें फिर इस तरह की छोटी बूटियां हैं काफी छोटी छोटी सी बूटियां ये देखिए एंड स्टार्टिंग में फिर अगेन वही प्लेन इसका पोर्शन uh, है साड़ी का प्लेन पोर्शन है एंड ये बॉर्डर है इसमें ठीक है तो ये बॉर्डर है ऊपर नीचे दोनों तरफ ये बॉर्डर दिया हुआ है तो ये जो बड़ी बूटी वाली साड़ी है ठीक है ये देखो ये वाली जो साड़ी है तो इससे उन्हें अपनी डॉटर के लिए कुछ डिजाइन करवाना था और ये जो छोटी बूटी वाली साड़ी है ये वाली तो इससे उन्हें अपने लिए आउटफिट डिजाइन करवाना था सो so, क्लाइंट से काफी डिस्कशन के बाद ये तो फाइनल हो गया था कि उन्हें अपनी डॉटर के लिए कुछ क्रॉप टॉप एंड लहंगे में आउटफिट बनवाना था डॉटर थर्टीन इयर्स की है सो so, उसके हिसाब से मैंने दो तरह के क्रॉप टॉप एंड लहंगे के पैटर्न सजेस्ट किए एक तो ये रफल स्लीव टॉप एंड लहंगे का पैटर्न सजेस्ट किए एंड सेकेंड हॉल्टरक स्टाइल का टॉप एंड लहंगे का पैटर्न बोला सो so, क्लाइंट ने ये रफल टॉप एंड लहंगे का पैटर्न फाइनल किया अच्छा क्लाइंट ने अपने लिए अनारकली कुर्ती बनवाने का फाइनल किया तो कुछ इस पैटर्न की अंगरखा स्टाइल की अनारकली कुर्ती की डिजाइन फाइनल की ओके okay, तो so चलो अब इन दोनों आउटफिट्स की प्लानिंग देखते हैं सो so, साड़ी का जो मेन पोर्शन है जिसमें ये बड़ी लीफ पैटर्न की बूटियां बनी है उस पोर्शन से अम्ब्रेला पैटर्न का लहंगा बनाने का डिसाइड किया साड़ी के बॉर्डर को लहंगे के बॉटम में सेट करना था फिर जो पल्लू पोर्शन था स्पाइरल टाइप की बूटियां जिसमें बनी थी तो उससे क्रॉप टॉप बनाने का डिसाइड किया अब इसमें जो रफल स्लीव्स बनाना था तो उसके लिए ब्लू कलर का नेट चाहिए था नेट की रफल स्लीव्स अच्छे से सेट हो जाती है अब क्लाइंट को इस आउटफिट को थोड़ा और ड्रेसी बनाना था इसमें और भी डिजाइन एलिमेंट्स डालने थे कि वो हल्का ना लगे सो so, मैंने एडिशनल बॉर्डर्स डालने का प्लान किया सो so, कुछ इस तरह का सिल्वर जरी बॉर्डर मैंने सोचा टॉप की वेस्ट में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा और फिर वेस्ट में ऐसे क्रिस्टल टैसल्स बहुत प्रिटी लगेंगे और क्लासी भी लगेंगे फिर साड़ी के बॉर्डर के साथ एक और जरी बॉर्डर लगाने का प्लान किया क्योंकि जो सारी का बॉर्डर था वो सुंदर तो था लेकिन फ्लैट लुक था उसका सो थोड़ा कुर्ती की सेटिंग देखते हैं इस छोटी बूटी वाली सिल्क साड़ी से सो so, ये छोटी छोटी बूटी वाला पोर्शन पल्लू पार्ट है तो उसे कुर्ती का योग सेट करेंगे फिर जो प्लेन ब्लाउज वाला पोर्शन है उसे स्लीव्स बनाएंगे साड़ी के बॉर्डर को स्लीव्स के बॉटम एरिया में एज अ कफ सेट कर देंगे फिर जो हल्की बड़ी बूटी वाला पोर्शन है साड़ी का तो वो रिमेनिंग पूरी सारी है तो उससे कुर्ती का फ्लेयर सेट कर देंगे और साड़ी के बॉर्डर को कुर्ती के बॉटम में सेट कर देंगे फिर क्लाइंट को इसके साथ दुपट्टा भी चाहिए था सो मैंने ब्लू नेट का दुपट्टा इसके साथ बनाने का डिसाइड किया क्योंकि नेट दुपट्टा थोड़ा सा शेयर रहता है और गिरता भी नहीं है फिसलता नहीं है और सुंदर लगता है तो इसलिए नेट का दुपट्टा बनाने का फाइनल किया सो मैंने डायबल फैब्रिक्स परचेज किए साड़ी के ब्लू शेड में डाई करवाने के लिए एक प्लेन नेट फैब्रिक लिया डॉटर की रफर स्लीव्स के लिए और दूसरा छोटी सीक्वेंस बूटी वाला नेट फैब्रिक लिया क्लाइंट की अनारकली दुपट्टे के लिए अब मैं जा रही हूँ बॉर्डर्स लेने हर शहर का एक पुराना मार्केट एरिया होता है तो यहाँ भी वही सीन है ये दिवाली से पहले मैंने आउटफिट्स रेडी कर दिए थे तो फेस्टिव सीजन की चहल पहल है ये सब और ये प्यारी सब्जी मंडी जहाँ से मुझे हमेशा गुजरना पड़ता है लेस बॉर्डर शॉप पर जाने के लिए क्या कर सकते हैं ब्लू सिल्क साड़ीज पर कोई भी गोल्डन एलिमेंट नहीं था सब सिल्वर था तो डॉक्टर के लहंगे के लिए सिल्वर बॉर्डर सर्च कर रही हूँ फिर क्लाइंट के दुपट्टे के लिए भी एक छोटा सिल्वर बॉर्डर चाहिए था मुझे तो वो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ और उसमें से जो बचेगा वो डॉटर के क्रॉप टॉप की वेस्ट में लग जाएगा और ये क्रिस्टल लेस भी चाहिए क्रॉप टॉप के लिए और ये सब फिर मैंने दिया स्टिचिंग पर मेरे वर्कशॉप पर सो नाउ लेट्स सी द फाइनल रेडी आउटफिट्स फ्रॉम दीज ब्लू सिल्क साड़ीज ओके सो ये रहा लहंगा एंड रफल क्रॉप टॉप क्लाइंट की डॉटर के लिए इट टर्न आउट रियली वेरी स्वीट एंड प्रिटी आप सब कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा मेरा ये डिजाइन आइडिया टॉप एंड लहंगे का फॉर थर्टीन ईयर ओल्ड गर्ल अकॉर्डिंग टू अ वेडिंग इवेंट ऑब्वियसली मेरी मेनिक्विन का जो साइज है वो डॉटर की साइज से बड़ा है तो लहंगा तो आ गया था मेरी मेनिक्विन को लेकिन क्रॉप टॉप नहीं आ पाया ऑब्वियसली बिकॉज uh, जो मेजरमेंट्स थे वो कम थे तो मैंने ऊपर से किसी तरह से उसे सेट कर रखा है पिंस से ये देखो सारे के पल्लू पोर्शन से क्रॉप टॉप बन गया और वेस्ट में सिल्वर बॉर्डर और क्रिस्टल टैसल लेस सेट कर दी है जो बहुत प्रिटी लग रही है फिर ये प्लेन नेट की फ्लटर स्लीव्स बना दी है बहुत हैवी रफल्स नहीं बनाए बिकॉज ऑब्वियस हाइट मेजरमेंट के हिसाब से पैटर्न सेट करना पड़ता है बाकी पूरी सारी से लहंगा बना दिया है साड़ी के बॉर्डर को लहंगे के बॉटम में सेट कर दिया और रेडी सिल्वर जरी बॉर्डर भी लगा दी बैक साइड में अच्छे से फिनिशिंग पट्टी दी है अंदर लाइनिंग दी है और उसमें फ्यूजिंग लगाया है एक हल्के से बाउंस के लिए कैन कैन नहीं लगाया क्योंकि क्लाइंट को लहंगा हैवी नहीं करना था और ऊपर से इस साड़ी में वैसे जरूरत भी नहीं थी कैन कैन की क्योंकि साड़ी ऑलरेडी थिक थी फिर बॉर्डर एंड फ्यूजिंग मटेरियल से थोड़ा और बाउंस आ गया सो so, बहुत प्रिटी एंड ट्रेंडी लहंगा एंड क्रॉपटॉप का सेट बन गया एक साड़ी में से आप सब बताना कैसा लगा यह आउटफिट और इसके साथ अगर दुपट्टा लेते तो कैसा लगता मुझे दुपट्टा बनाना चाहिए था या नहीं ओके नाउ लेट सी द फाइनल आउटफिट ऑफ द क्लाइंट सो दिस इज द अनारकली कुर्ती विद दुपट्टा बहुत ग्रेसफुल एंड प्रिटी आउटफिट बन गया है दुपट्टा भी बहुत प्रिटी बना है सो so, पल्लू पोर्शन से योग बना दिया है नेक लाइन में पाइपिंग दी है एक फिनिश्ड लुक के लिए और अंगरखा पैटर्न का सेपरेशन दिखे इसके लिए पाइपिंग दी है बाकी पूरी साड़ी से फ्लेयर सेट कर दिया है कुर्ती का बहुत अच्छा फ्लेयर निकला है क्योंकि साड़ी का पैटर्न सिमेट्रिक था ब्लाउज पोर्शन से स्लीव्स निकाल दी है और साड़ी के बॉर्डर को स्लीव्स के एंड में सेट कर दिया है तो स्लीव्स भी बहुत अच्छी से बन गई है साड़ी के बॉर्डर को बॉटम में सेट कर दिया है एक्स्ट्रा बॉर्डर नहीं लगाया क्यूँकी क्लाइंट को अपना आउटफिट ज्यादा हेवी नहीं करना था अगेन इसमें भी बैक साइड में फिनिशिंग पट्टी दी है लाइनिंग लगाई है जिसमें फ्यूजिंग मटीरियल लगाया है हल्के बाउंस के लिए ये बैक साइड है कुर्ती की पल्लू पार्ट से फ्रंट एंड बैक निकल गया है बैक साइड से क्लिप करके मैंने की पर सेटिंग की हुई है कुर्ती की प्रेजेंटेशन पर्पज के लिए सो बहुत अच्छे से सेट हो गई है ये कुर्ती दुपट्टे के साथ और भी अच्छा लुक आ रहा है एक कंप्लीट लुक दिख रहा है आउटफिट का सो बताओ कॉमेंट्स में कि ये ब्लू सिल्क साड़ीज के ट्विनिंग आउटफिट कैसे लगे ओके नेक्स्ट टू सिल्क साड़ीज के आउटफिट देखते हैं ये दो और कांचीपुरम सिल्क साड़ीज क्लाइंट ने सेंड की थी तो इनका भी पैटर्न सेम था इनफैक्ट बूटियों का जो प्रिंट था वो भी सेम था बस कलर डिफरेंट था डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन की थी ये ठीक है चलो ये फर्स्ट साड़ी देखते हैं तो ये वाइन शेड की साड़ी साड़ी है uh, है कलर uh, बहुत इस का फैब्रिक पहले वाली जो थी ब्लू तो उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा सॉफ्ट एंड फ्लोई है वो थोड़ी सी थिक थी बिकॉज ऑल ओवर उसमें कुछ ज्यादा ही सिल्वर जरी का काम था तो हल्की उसमें थिकनेस थी सारीज में कॉम्बिनेशन इट इज लाइक वाइन शेड एंड थोड़ा सा जो टील uh, कलर होता है तो टील कलर का कॉम्बिनेशन के साथ है तो ये इसका पल्लू पोर्शन है सारी का एंड ये बाकी पूरी सारी इस तरह से है वाइन शेड में और इसमें ये बूटियां बनी हुई है तो ये कॉपर जरी तार से ये पूरा इसमें जरी वर्क हो रहा है बहुत ही अच्छा है तो वो सारी एंड स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा इसमें ऐसा प्लेन पोर्शन है एंड ये टील शेड में ये ब्लाउज है इसका ये ब्लाउज पीस दिया हुआ है और इसमें इस तरह की ये बूटियां बनी हुई है बॉर्डर दिया हुआ है ब्लाउज में यूज करने के हिसाब से तो और बाकी साड़ी भी ऊपर नीचे थोड़ा ब्रॉड ऐसे बॉर्डर दिए हुए हैं ये देखो ओके okay, और ये जो वाइन शेक की साड़ी है तो क्लाइंट को इससे अपनी डॉटर के लिए ड्रेस बनवानी थी इस साड़ी से ओके सो लेट सी द नेक्स्ट साड़ी ठीक है ये दूसरी साड़ी है तो ये इसका पैटर्न बिल्कुल सेम ही है साड़ी का बस इसका कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है थोड़ा सा डार्क जो ग्रीन होता है तो डार्क ग्रीन एंड इसमें ये ऑरेंजिश रेड कलर का इसका कॉम्बिनेशन है सारी का तो ये सारी का पल्लू पोर्शन है एंड ये बाकी सारी पूरी ऐसी है इसमें इस तरह की ये बूटियां बनी हुई है इसमें भी ये पूरा कॉपरिश ही है सारी है ये पूरी ऐसी ग्रीन शेड में एंड इसमें भी ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा ये प्लेन पोर्शन है एंड ये ब्लाउज है इसका एंड ब्लाउज में इस तरह की छोटी छोटी सी फ्लोरल बूटियां बनी हुई है एंड ये इसका बॉर्डर दिया हुआ है ब्लाउज के लिए यहाँ पे एंड बाकी सारी में ऊपर नीचे बॉर्डर दिया हुआ ये देखिए इस तरह से ये बॉर्डर है एंड ये ऊपर भी है एंड नीचे भी है और इस सारी से क्लाइंट को अपने लिए आउटफिट डिजाइन करवाना था सो so, डॉटर के लिए कुछ फ्रंट स्लिट कुर्ती स्टाइल के आउटफिट को लेकर डिस्कशन हुआ तो मैंने ऐसा डिजाइन प्रपोज किया सारी से फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाने का बोला और पैंट्स न्यू फैब्रिक लाकर बनाने का सजेशन दिया क्योंकि साड़ी में अलग अलग तरह के पैटर्न थे तीन वेरिएशन थे तो पैंट की सेटिंग नहीं बैठती जो ग्रीन एंड रेड कॉम्बिनेशन की सिल्क साड़ी है ठीक है तो इससे क्लाइंट को अपने लिए एक आउटफिट डिजाइन करना था तो मैंने क्लाइंट को एक तो ये आइडिया दिया कि आप सेम जो मैंने उनकी डॉटर के लिए फ्रंट स्लिप कुर्ती एंड लहंगे का आइडिया दिया तो सेम टू तो सेम पैटर्न का वो अपने लिए भी बना सकते हैं इस साड़ी से या फिर इससे लहंगा चोली का सेट भी बन जाएगा सो फाइनली क्लाइंट ने इस डिजाइन को फाइनल किया क्लाइंट ने इस साड़ी से भी बोला की अनारकली कुर्ती बनाते हैं सो so, चलो देखते हैं इन साड़ी से आउटफिट की सेटिंग कैसे करेंगे सो so, डॉटर के लिए हमने पहले फ्रंट स्लिट कुर्ती एंड पैंट्स का आउटफिट प्लान किया था पर बाद में क्लाइंट ने बोला कि सारी से जैकेट बनाते हैं और अंदर क्रॉप टॉप एंड पैंट रखते हैं सो so, सारी के स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन था तो उससे तो स्लीव्स निकल जाएगी और सारी के बॉर्डर को स्लीव्स में एज अ कफ सेट करना है अब हमें क्रॉपटॉप बनाना है तो ये ब्रांड न्यू साड़ी थी तो इसमें ब्लाउज पोर्शन था तो उसे क्रॉपटॉप बन जाएगा और सारी के बॉर्डर को ब्लाउज के वेस्ट एरिया में सेट कर देंगे और साथ में क्रिस्टल टैसल लेस भी लगाने का प्लान किया वेस्ट में पैंट्स के लिए सारी ब्लाउज के कलर जैसा ब्लू फेब्रिक लाने का प्लान किया अब जैकेट की सेटिंग देखते हैं साड़ी के भरे हुए जरी पल्लू पोर्शन से जैकेट का योग सेट कर देंगे और फ्लेयर पार्ट जैकेट का साड़ी के इस बूटी वाले वाइन पोर्शन को पूरा यूज करके निकाल देंगे और साड़ी बॉर्डर को जैकेट के बॉटम साइड में सेट कर देंगे फिर क्लाइंट ने बोला था कि वेडिंग के हिसाब से थोड़ा और ड्रेसी कर देना आउटफिट को तो मैंने सोचा एक एडिशनल बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं जैकेट के बॉटम एरिया में ओके अब क्लाइंट की अनारकली कुर्ती की सेटिंग देखते हैं इस ग्रीन एंड बर्न ऑरेंज साड़ी से कुर्ती का फ्लेयर पार्ट साड़ी के डार्क ग्रीन पोर्शन से सेट कर देंगे और योक एरिया में नेकलाइन में जो सेंटर पैच है वहां पे डार्क ग्रीन पार्ट सेट कर देंगे साड़ी के इस जरी पल्लू पोर्शन से बचा हुआ योक पार्ट सेट कर देंगे और बैक योक भी सेट कर देंगे और साड़ी के इस ऑरेंजिश रेड ब्लाउज पीस से स्लीवस निकाल लेंगे साड़ी के बॉर्डर को कुर्ती के बॉटम एरिया में सेट कर देंगे और स्लीव्स में एज अ कफ सेट कर देंगे एडिशनल और कोई बॉर्डर नहीं लगानी थी इसमें क्लाइंट को दुपट्टा भी चाहिए था इस कुर्ती के साथ तो रेड कलर का दुपट्टा बनाने का प्लान किया सो so, फैब्रिक शॉप से मैंने दुपट्टे के लिए नेट फैब्रिक लिया जिस पर गोल्ड सीक्वेंस की बूटियां बनी थी और डॉटर के आउटफिट के लिए पैंट का फैब्रिक चाहिए था तो रॉ सिल्क फैब्रिक लिया ब्लू कलर का फिर लेस शॉप से गोल्ड क्रिस्टल टैसल लेस ली टॉप में लगाने के लिए और डॉटर के आउटफिट के लिए बॉर्डर भी लिया जो जैकेट के बॉटम एरिया में लगाना था कॉपर जरी वर्क की वजह से कॉपर टोन का बॉर्डर मिलना काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था या तो बहुत डार्क कॉपरिश लेस मिल रही थी या गोल्ड लुक ज़्यादा लग रहा था सो so, शॉप वाले भैया से बहुत मेहनत करवाने के बाद मुझे ये स्कैलॉप लेस मिली जिसमें लकीली सारी के ब्लू जैसी पाइपिंग थी और जो स्टोन्स लगे हुए थे उनमें हल्का कॉपर टोन था तो ये लेस फाइनल कर दी सेम पैटर्न की लेस रेड कलर में मैंने क्लाइंट के दुपट्टे के लिए भी ले ली वैसे भी कॉपर टच होने की वजह से मुझे और कोई अच्छा बॉर्डर मिल भी नहीं रहा था सो नाउ लेट सी बोथ द फाइनल रेडी आउटफि सो दिस इज द डॉटर्स आउटफिट बहुत मुश्किल से डिस्प्ले किया है मैने क्विन पर फ्रंट से पिन अप करके सब कुछ सेट किया है सो बताओ कैसा लगा ये आउटफिट मेरा ये आउटफिट फेवरेट है बहुत रॉयल और गॉर्जियस आउटफिट लग रहा है सारी के पल्लू पार्ट से योग निकल गया जैकेट का सारी के एक बॉर्डर पोर्शन को कट करके फ्रंट साइड में सेटिंग की है साड़ी के प्लेन पोर्शन से स्लीवस बन गई सारी के बॉर्डर को एज अ कप सेट कर दिया है स्लीव्स में और रेडी बॉर्डर भी लगा दिया है तो स्लीव्स का भी सुंदर लुक हो गया जैकेट के बॉटम में सारी का बॉर्डर लगा दिया और रेडी बॉर्डर भी लगा दिया है अंदर से प्रॉपर फिनिशिंग की है बैक साइड में फिनिशिंग पट्टी दी है जैकेट अनारकली पैटर्न में फुल फ्लेरी स्टाइल में बनाई है सो बहुत अच्छी लग रही है ये देखो क्रॉप टॉप एंड पैंट क्रॉप टॉप ब्लाउज पीस से बन गया साड़ी के बॉर्डर का एक छोटा सा पोर्शन वेस्ट में सेट कर दिया है और ये प्रिटीसी टैसा लेस भी लगा दी है पैंट नैरो फिट पैटर्न की रखी है सो बताओ कैसा लगा ये रॉयल आउटफिट बहुत गॉर्ज बना है, है कि नहीं ओके लेट्स सी द फाइनल आउटफिट ऑफ द क्लाइंट सो दिस इज द अनारकली कुर्ती विद दुपट्टा पल्लू पोर्शन से योग बना दिया है सेंटर में सारी का डार्क ग्रीन पोर्शन सेट किया है एक डिफरेंट डिजाइन पैटर्न के लिए फ्लेयर पार्ट साड़ी के डार्क ग्रीन पोर्शन को पूरा यूज करके बना दिया है ब्लाउज पोर्शन से स्लीव्स बन गई हैं और साड़ी बॉर्डर को स्लीव्स में सेट कर दिया है कुर्ती के बॉटम में भी साड़ी का बॉर्डर सेट कर दिया है तो कुर्ती का लुक बहुत अच्छा लग रहा है बैक साइड में फिनिशिंग पट्टी दी है और अंदर लाइनिंग दी है जिसमें फ्यूजिंग मटीरियल लगाया है हल्के बाउंस के लिए ये दुपट्टा है नए फैब्रिक का जिस पर यह स्केलो बॉर्डर लगाया है सो दुपट्टा भी बहुत प्रिटी बन गया है काफी रिच कॉम्बिनेशन लग रहा है रेड एंड ग्रीन का सो so, बताओ कैसा लगा ये वेडिंग गेस्ट आउटफिट आप सबको और दोनों आउटफिट्स कैसे लगे मदर डॉटर के सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे डू लेट मी नो इन द कमेंट्स की सिल्क साड़ी से बने हुए वेडिंग गेस्ट आउटफिट्स आप लोगों को कैसे लगे सो डू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट